जैसे कि आज हम आपको आयुर्वेदिक दंत मंजन टूथ पाउडर के बारे में बताएंगे। दांत दर्द की समस्या, अगर किसी के दांत में दर्द की समस्या रहता है किसी भी कारण से, तब डॉक्टर के द्वारा आयुर्वेदिक का ये टूथ पाउडर दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि इस दंत मंजन पाउडर का उपयोग मसूड़ों से खून आना, जब किसी के मसूड़ों से खून आने की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये टूथ पाउडर दिया जाता है। और जैसे कि इसका उपयोग ठंड गर्म लगना, जैसे दांतों में क्या होता है, हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं उसकी वजह से दांतों में ठंडपन लगता है या फिर गर्म लगने लगता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है। और जैसे कि कमज़ोर जबड़े, अगर किसी के जो जबड़े हैं वो कमज़ोर रहते हैं तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन टूथ पाउडर दिया जाता है। और इस दंत मंजन टूथ पाउडर का उपयोग दांत में क्या दिक्कत, क्या समस्या रहता है, दांतों में क्या परेशानी रहती है या फिर दांतों से संबंधित कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी परेशानियों में डॉक्टर के द्वारा ये टूथ पाउडर दिया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसे एक दिन में कितनी बार टूथ पाउडर यूज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, और इसे कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं यूज़ कर सकता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। चलिए अब हम आपको दंत मंजन के यूज़ के बारे में बताते हैं। दांतों में क्या दिक्कत, क्या समस्या रहता है, तब हम ये दंत मंजन डॉक्टर के द्वारा हमें उपयोग करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो इसमें क्या होता है, वो हमारे दांत पर सीधा जाके गर्म लगता है या फिर ठंडक जैसा महसूस होता है हमारे दांतों में, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि मसूड़े फूलना, आपने देखा होगा किसी किसी के मसूड़ों से ब्लड आने लगता है यानी खून आने लगता है, मसूड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में अगर उनके दांत में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो मुँह से दांत में कई बार आपने देखा दुर्गंध के जैसा मुँह से आने लगता है, अगर कोई हमसे या हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे मुख से अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, तब उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि अगर किसी के दांत में पायरिया की समस्या हो जाता है तब उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के दांत में पायरिया की समस्या हो जाता है तब उसके जो मुख से बहुत अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, यानी मुंह से अजीब तरीके की बदबू आने लगती है, और जो उसका दांत रहता है वो पूरी तरह से एकदम पीला पीला सा हो जाता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन यूज़ करने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस दंत मंजन का उपयोग आपने देखा होगा जब कोई खाना खाता है या फिर पानी पीता है तब उसके दांत में जाकर ठंडक या फिर गर्म के जैसा महसूस होता है, तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। और जैसे कि दांतों में अगर दर्द की समस्या रहता है, किसी भी आपके दांत में अगर दर्द की समस्या रहता है तब उस समस्या में क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन यूज करने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी के दांत से किसी प्रकार से ब्लड आता है या फिर अगर दांत में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से अगर दांत से ब्लड आता है यानी दांत से खून आता है, तब उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है। ये दंत मंजन आयुर्वेदिक होता है, ये दंत मंजन काफ़ी अच्छा दंत मंजन होता है जो डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। और जैसे कि इस दंत मंजन का उपयोग आपने देखा होगा अगर कोई गुटखा खाता है या फिर पान मसाला खाता है या फिर तंबाकू खाता है तो उसकी वजह से उसके दांत में कई बार इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, या फिर आपने देखा होगा दांत जो होता है वो एकदम काला पड़ जाता है या फिर जो दांत का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, और उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फेक्शन की भी समस्या होने लगता है, तब उस इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये दंत मंजन दिया जाता है, जिससे जो उसके दांत में इन्फेक्शन की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा दंत मंजन होता है क्योंकि ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक होता है, ये आपके दांत में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुँचाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ये दंत मंजन प्रेस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए दांतों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये टूथ पाउडर यानी ये दंत मंजन यूज़ करने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से जान लीजिए इसका उपयोग क्या क्या होता है। जैसे कि दांत में किसी प्रकार को कोई संक्रमण हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, या फिर दांत में ठंड गर्म
का महसूस होना, या फिर हम कह सकते हैं दांत के जबड़े कमज़ोर हो जाते हैं तब उस समस्या में भी दिया जाता है, और जैसे कि पायरिया की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे यूज कैसे करना होता है। जैसे कि ये दत्त मंजन दिन में 3 से 4 बार आप उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे। ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, या फिर अपने गाँव के आसपास के छोटे बड़े मार्केट से भी आप ये आसानी से ले सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये दत्त मंजन आप एक दिन में कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा इसे दिन में 3 से 4 बार भी उपयोग करने के लिए बताया जाता है। बट अगर आपके दांत में हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहता है, या फिर आपके मसूड़ों में किसी प्रकार का कोई समस्या रहता है, या मसूड़ों से संबंधित या फिर दांतों से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की समस्या रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा इसे दिन में 2 से 3 बार उपयोग करने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांत में और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा लें।